अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगीन नो चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ते दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो थी एक गोश्त की शॉप की और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उसके बाद बहुत से लोगों ने जो है वो वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी गोश्त के हवाले से और दावा किया गया कि औरंगी टाउन में जो है 350 रुपये किलो में गोश्त फरोख्त हो रहा है। बाकायदा वीडियो भी दिखाई गई और ये मुआजरा क्या है। हमारी वीडियो पे भी बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया कि जनाब औरंगी टाउन में तो 350 रुपये किलो गोश्त मिल रहा है, लिहाजा आपकी वीडियो तो फेल हो गई है। तो बहरहाल ये है कि मैं आज ये सवाल इस सवाल का जवाब लेने आबिद कुरैशी साहब के पास आया हूँ। जैसे पीछे मेरे आप देख भी रहे होंगे, उनकी शॉप है और वो काम में मसरूफ़ हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और ये मुआजरा पूछेंगे कि 350 रुपये किलो में गोश्त कैसे मिल सकता है और उसकी क्या वजूहत हैं। और नाज़रीन, मैं साथ ये भी बताता चलूं कि अगर किसी दो रेड़ियों पर अगर दो एक ही चीज़ मुख्तलिफ अंदाज़ में बेची जा रही हो और उसकी एक की कीमत कम हो और एक की ज़्यादा हो, तो यकीनी तौर पर आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी में फ़र्क होगा। तो यही चीज़ हम आज वाजे करने आए हैं आबिद कुरैशी साहब के पास। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और साथ ही यहाँ पर कोई जो ग्राहक मौजूद हैं इनके, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, अब्दुल वहाब मेरा नाम है। वहाब साहब, ये बताइए कि हमने आबिद भाई की पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो वायरल हुई है और उसके बाद एक वीडियो सामने आई 350 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है औरंगी में, तो लोगों ने कहा कि यार यहाँ तो 600 रुपये महंगा है, वो सस्ता है गोश्त, तो इस गोश्त के बारे में मुझे पहले बताएं ये कैसा है। जनाब, मैं यहाँ पर जो है तकरीबन गुज़श्ता 4 से 6 महीने से आ रहा हूँ गोश्त लेने के लिए, जब से वीडियो वायरल हुई है। ठीक है, गोश्त के अंदर किसी किस्म की कोई क्लेम नहीं है और कोई शिकायत नहीं है और कोई ख़राबी नहीं है इनके गोश्त में। अच्छा, प्रेशर का बताएं, बहुत सारे गोश्त जो होते हैं वो प्रेशर में, वो तो नहीं है ना इसके अंदर? हमने ये चीज़ें नहीं देखी, प्रेशर नहीं देखा, डिस्पिन की गोलियाँ नहीं देखी जिससे गोश्त वाइट हो रहा हो, या इसमें क्या नाम है गोश्त पुराना हो या बीमार जानवर का गोश्त हो, ऐसी चीज़ें इसके अंदर नज़र नहीं आई। अगर खाते तो जाहिर सी बात है पेट के अंदर कोई ना कोई इफेक्ट या बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अच्छा, औरंगी टाउन के बारे में पता चला वहाँ 350 रुपये किलो गोश्त मिल रहा है और वो भी वीडियो वायरल हुई, लेकिन ये बताएं कि 350 रुपये किलो गोश्त मिल रहा होगा तो उसकी क्वालिटी और मयार क्या होगा? ये खुद सोचने की बात है, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, 350 रुपये चीज़ और एक 600 रुपये चीज़, एक जगह 900 रुपये चीज़, सही है? पैसों में अगर कोई फ़र्क है तो कोई वजह है, सही है? अब 350 रुपये वाली चीज़ दिमाग इजाज़त नहीं देती उस चीज़ को कि यार वो चीज़ सही होगी, उसमें कोई ना कोई मसला या अफेक्टेड होगी, तभी तो वो चीज़ इतनी की मिल रही है। यानी बोला नहीं मिल रही होगी, मिल रही होगी, मैं कहूँ कोई ना कोई वजह उसमें होगी जो बीमारी की तरफ लेके जा रही होगी। सही है, बाकी अल्लाह ताला निज़ाम को चला रहा है, हमें लक्कड़ वक्कड़ सब हजम है भाई, सीधी बात। ठीक है, ये बंदा जो बेच रहा है आबिद भाई, ये 600 रुपये किलो के हिसाब से और 800 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा, मगर इसकी चीज़ एवन है, वो चीज़ नज़र आ रही है। और मैंने सुना है कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं खुद बाजार बड़ी दूर से आया हूँ, आधे घंटे का सफ़र तय करके, सीधी बात, अलग इलाके के अलावा लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, ये बात सच है। ठीक है, और इसके बाद रश भी नहीं, रश इतना है कि इसको फुर्सत ही नहीं है किसी भी किस्म की कि लोगों को समझ सके। और बात ये कि इसकी क्वालिटी ये कि एक किलो के बजाय लोगों को 1.25 किलो या 1.5 किलो गोश्त देता है, एक्स्ट्रा गोश्त दे रहा होता है, ये इसको अल्लाह ने इसको नवाजा हुआ इस चीज़ से, तभी इसका हाथ जो है ना बड़ा खुला चल रहा है और इस वजह से इसकी दुकानों पर रश है यहाँ पर। मोहम्मद अकबर। अकबर साहब, ये बताएं यहाँ पे गोश्त खरीदने आए हैं आप, तो हमने अभी पहले भी एक साहब से यही बात की कि हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था लोगों को कि यहाँ पे आबिद साहब जो है वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गोश्त बेच रहे हैं, दूर दूर से लोग लेने आ रहे हैं और 600 रुपये किलो में, तो एक वीडियो और भी आ गई औरंगी से और वो 350 रुपये किलो गोश्त बताया जा रहा है, वो भी वायरल हुई है वीडियो, तो आप क्या समझते हैं कि अगर रेट में फ़र्क हो तो क्वालिटी में भी फ़र्क होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल फ़र्क होगा। देखें, 600 रुपये और 350, माशाल्लाह आप समझदार हैं और हमारी आवाम माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही समझदार है कि उनको भी पता है कि कम रेटों में माल किस तरीके का मिलता है। देखें, एक चाय है नॉर्मल सी चाय, दूध पत्ती में और एक सादी चाय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसी हवाले से गोश्त में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अब जो औरंगी टाउन में आप बता रहे हैं 350 रुपये, तो जाहिर बात है गोश्त का मेयार भी आपको पता होना चाहिए कैसा होगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कितने अरसे से गोश्त खरीद रहे हैं? मैं तकरीबन 10 सालों से खरीद रहा हूँ। अच्छा, 10 सालों से खरीद रहा हूँ। तो कैसा पाया यहाँ का गोश्त? गोश्त आबिद भाई का बड़ा बेहतरीन है, बहुत आला क्वालिटी का गोश्त है, अच्छा है, इसमें कोई शक व शुबात नहीं है कि कोई कम्प्लेन हो, आज तक मुझे कोई कम्प्लेन नहीं आई गोश्त में घर ले जाने के बाद या पकाने के बाद। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, दुआ है भाइयों। आबिद भाई, आपकी माशाल्लाह पहले वाली वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है और बड़ी माशाल्लाह तेज़ी के साथ जो है वो ऊपर जा रही है मज़ीद, और लोग देख रहे हैं और सवालात भी कर रहे हैं, और साथ ही जो है आपकी जब वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर अपने डाली तो वो ना सिर्फ वायरल हुई बल्कि लोगों के सवालात भी आए, और एक वीडियो हमारे बाद किसी ने औरंगी टाउन से बनाई है और उसमें जो है बताया है कि जनाब औरंगी टाउन में 350 रुपए किलो गोश्त जो है वो मिल रहा है। सबसे पहले मुझे ये बात बताएं कि 350 रुपए किलो जो गोश्त मिल रहा है तो दिमाग हैरान है और दिल परेशान है कि क्या क्या वजह है कि 350 रुपए किलो गोश्त मिल रहा है और वो कैसा गोश्त होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हम किसी की बुराई नहीं करते, दूसरी बात आजकल दौर टाइम ऐसा हर आदमी हर बात समझता है, जैसे पैसे वैसी चीज़। उस गोश्त में और इस गोश्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो गोश्त हम 300 भी बेच सकते हैं लेकिन हमारा मयारी गोश्त है ये, वो भारी गोश्त है, छोटे गोश्त है, 2 मन 70 किलो 75 किलो के बच्चे ये। अच्छा, हमने जो है लोगों से बात भी की है, माशाल्लाह जब भी हम आए हैं वो लोगों ने तारीफ़ ही की है आपके यहाँ के गोश्त की जो है ना, तो मुझे ये बताएं कि क्या क्या वजह है कि 350 रुपये किलो में ये गोश्त मिल रहा है, कोई वजह तो होगी ना हमारे नाज़रीन को समझाने के लिए बताएँ। वजह तो ये क्या है, बस वही किसी की बुराई वाली बात है, लेकिन मैं ऐसी बात इस पर कर नहीं सकता, बाकी लोग सब समझदार हैं माशाल्लाह, जो ले रहे हैं ये जो गोश्त ले रहे हैं ये पागल नहीं है, माशाल्लाह सुबह से शाम तक रश लगा के ले रहे हैं 600, जो समझ रहे हैं उनको पता है, मैं क्या बताऊँ अपने मुँह से। अच्छा, कितने लेने हैं आधार में से? अच्छा नाज़रीन, हमने पहले भी लोगों से गुफ्तगू की थी और उन्होंने यही कहा था कि आबिद साहब के यहाँ जो गोश्त मिल रहा है, और बहुत से लोगों ने तो ये चैलेंज भी किया था कि कराची में इतना मयारी गोश्त और बेहतरीन गोश्त जो है वो नहीं मिल सकता। अभी हमने एक साहब से गुफ्तगू की तो उन्होंने बड़ी एक ख़ास बात की कि वो आबिद साहब जो है यहाँ पर मेरे साथ मौजूद भी हैं, ये जो गोश्त देते हैं ये 1 किलो वज़न नहीं होता बल्कि 1.25 किलो के करीब जो है वज़न होता है, ये चाहते हैं कि मेरी तरफ़ से जो है किसी को फ़ायदा हो और नुकसान ना हो, और उन्होंने बताया कि यही वजह है कि इनके काम में बरकत भी है और यहाँ पर रश भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो आबिद भाई, आइंदा के लिए आप बताएं, आप कोई और जो है इसमें कुछ बेहतरी अपने काम में आएगी आपके? और आप यकीन मानो इस टाइम जो ये रमज़ान शुभरात आई है, माल इतना महंगा है कि ये जो है ना 27-28 रुपये खालना पड़ रहा है गोश्त, 28,000 रुपये 27,000 रुपये, लेकिन मजबूर है, बस करा रहे हैं, लोगों की दुआएं ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हिम्मत है कोशिश है। अच्छा, हमारे बहुत से नाज़रीन नए हैं जो नए देख रहे होंगे, उनकी समझ के लिए आप ये बताएँ कि 600 रुपये किलो जो आप गोश्त बेच रहे हैं तो वो उसमें क्या आपको नुकसान है या इसके पीछे आपका कोई जज्बा है? देखो, बात यह है कि सिर्फ जज्बे की बात है और पूरा अल्लाह कराता, बंदा सिर्फ कोशिश करता है, देने वाली उस रब की जात है। ये मेरा चैलेंज है पूरी कराची में, वो जो 300, 500, 600 वो गोश्त एक एक पाव लें और एक पाव मेरे से लें, बकाया फैसला आवाम खुद करेगी इस बात का कि फ़र्क क्या है, वो खुद बताएँगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा बता दें कि हड्डी वाला और बग़ैर हड्डी वाला गोश्त क्या किलो दे रहे हैं? हड्डी वाला 600, बगैर हड्डी का 800, इसका जेन्युइन रेट है 860 और 960। बस रोड पे ये गोश्त हड्डी वाला 900 और बगैर हड्डी का 1100 बिक रहा है अभी भी इस टाइम में भी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह चेक कर सकते हैं आप। चले नाज़रीन, आबिद साहब का जज्बा माशाल्लाह काबिले कदर है, इनका की सोच यही है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए और महंगाई का दौर है अब, जबकि मुर्गी भी ख़रीदना मुश्किल हो रही है, दाल तो दूर की बात, तो यकीनी तौर पर ये गोश्त इस्तेमाल करके लोग जो है वो कम अज़ कम जो है वो गुरबत में एक थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, तब चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिएगा और साथ ही रंगे नौ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का एक बार फिर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।